नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं महाभाग्य और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे सावन के पहले सोमवार की। कल सावन का पहला सोमवार है, इससे जुड़ी हुई तमाम जानकारियां आपको देंगे और आपको बताएंगे कि सावन के इस सोमवार का महत्व क्या है। महाभाग्य में आज क्या खास है आपके लिए, चलिए बताते हैं। तो आज महाभाग्य में चर्चा करेंगे कि सावन का पहला सोमवार आखिर अपने आप में खास क्यों है, महत्वपूर्ण क्यों है। सावन के सोमवार पर किस प्रकार से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी। इसके अलावा आप जानेंगे कि आज का विशेष मंत्र क्या है। तो आज महाभाग्य में एक दिन पहले ही हम आपको बताएंगे कि सावन के सोमवार का महत्व क्या है, सावन के सोमवार का इंपॉर्टेंस क्या है, आपके सवालों के जवाब भी देंगे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं आज का मंत्र। आज का मंत्र है ओम पार्वती पतये नमः। ओम पार्वती पतये नमः। शिव को पार्वती पति कहा जाता है और अगर कोई महिला है जिसका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चल रहा है या किसी वजह से उसके पति के साथ उसकी दूरियां बढ़ गई हैं, तो ऐसी दशा में सावन के महीने में नियमित रूप से सुबह और शाम इस मंत्र का जप शिव और पार्वती के सामने करना चाहिए। अगर आपके पति के साथ आपका प्रेम नहीं है या किसी कारण से आपके और आपके पति में दूरियां बढ़ गई हैं, तो इस मंत्र का जप करने से ये मुश्किल हल हो जाएगी। रुद्राक्ष की माला से सावन में सुबह 108 बार और शाम को 108 बार इस मंत्र का जप किया जाए। अपने विषय पर आते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि सावन के सोमवार का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, चातुर्मास में श्रावण का जो महीना है, सावन का जो महीना है, ये पूरा पूरा महीना जप तप और ध्यान के लिए उत्तम होता है। जप तप और ध्यान के लिए इस महीने को बहुत अच्छा मानते हैं। लेकिन सावन में भी, पूरे सावन में भी जब सोमवार आता है तो सावन का सोमवार अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है, अत्यंत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सोमवार का दिन चंद्रमा नामक प्लेनेट का दिन है, ऐसा माना गया। एक शोध के बाद समझा गया कि जो सोमवार का दिन है उस पर जिस ग्रह का प्रभाव होता है वो मून है, वो चंद्रमा है। और चंद्रमा के जो नियंत्रक हैं, चंद्रमा के जो कंट्रोलर हैं, वो भगवान शिव है। इसीलिए सावन के सोमवार के दिन अगर आप शिव जी की पूजा करते हैं तो न केवल चंद्रमा बल्कि भगवान शिव की कृपा भी मिल जाती है। चंद्रमा की कृपा मिले न मिले वो बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन बड़ा मुद्दा ये जरूर है कि भगवान शिव की कृपा आपको प्राप्त हो, क्योंकि भगवान शिव नहीं मिलेंगे तो चंद्रमा कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो आपका भला नहीं कर पाएगा। किसको बेनिफिट होता है सावन के सोमवार पर पूजा करने से? कोई भी व्यक्ति जिसको स्वास्थ्य की समस्या हो, सेहत खराब रहती हो, लगातार बीमारियां परेशान करती हो, किसी व्यक्ति के विवाह की मुश्किल हो या दरिद्रता छाई रहती हो, पैसे रुपए को लेकर के जीवन में बड़ी कठिनाई रहती हो, ऐसे लोगों को सावन के सोमवार पर भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। अगर सावन के हर सोमवार को विधि विधान पूर्वक नियमों के साथ भगवान शिव की आराधना की जाए तो तमाम समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। सावन के सोमवार बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। एक तो सावन का महीना वर्षा ऋतु का महीना है, चंद्रमा का महीना, सोमवार का दिन चंद्रमा का दिन, और चंद्रमा के नियंत्रक हैं भगवान शिव। तो सावन के सोमवार के दिन अगर आप पूजा उपासना करें विधि विधान पूर्वक तो जीवन की बहुत सारी मुश्किलों को दूर कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है, ऐसा पुराण कहते हैं कि सोमवार का संबंध भगवान शिव के साथ बड़ा गहरा है और इसी संबंध को समझते हुए माँ पार्वती ने 16 सोमवार का उपवास रखा था।
और 16 सोमवार का उपवास रख करके उन्होंने भगवान शिव की पूजा की थी, तब जाकर उन्हें शिव जैसा पति प्राप्त हुआ था। सावन का जो ये सोमवार है, ये विवाह के मामले में और संतान की समस्याओं के मामले में अचूक माना जाता है। आपकी शादी नहीं हो पा रही है या आपका विवाह हो चुका है, आपका वैवाहिक जीवन बेहतर नहीं चल पा रहा है, ऐसी दशा में सावन का सोमवार बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। और सावन के सोमवार पर भगवान शिव की पूजा करके अगर विवाह की प्रार्थना की जाए या अगर संतान के डेवलपमेंट की प्रार्थना की जाए तो वो प्रार्थना निश्चित रूप से पूरी हो जाती है। इस साल सावन का पहला सोमवार कल के दिन यानी 30 जुलाई को है, इसलिए इस दिन आप व्रत रख सकते हैं, इस दिन आप उपवास रख सकते हैं, इस दिन भगवान शिव की पूजा भी कर सकते हैं। तो अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो हमारी माताएं बहनें या जो हमारे भाई गणमान्य लोग पूज्य लोग जो कल सावन का व्रत रखेंगे, उस व्रत का महत्व क्या है। सावन को पूजा आप करें बहुत अच्छी बात है, व्रत रखें ना रखें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बहुत सारे लोग सावन के सोमवार को पूजा भी करते हैं और सावन के सोमवार को व्रत भी रखते हैं। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है? भगवान शिव की पूजा के लिए और खास तौर से वैवाहिक जीवन के लिए सोमवार की पूजा की जाती है। विवाह के मामले में भगवान शिव की पूजा अचूक मानी जाती है, इसीलिए भगवान शिव की पूजा करने से विवाह जल्दी हो जाता है और अगर विवाह हो चुका है तो वैवाहिक जीवन बेहतर हो जाता है। सुखद वैवाहिक जीवन के लिए मुख्य रूप से सावन के सोमवार की पूजा की जाती है। अगर कुंडली में विवाह का योग ना हो या विवाह होने में बाधा आ रही हो तो संकल्प लेकर के सावन के सोमवार का व्रत रखना चाहिए। ये संकल्प लेना चाहिए सावन के सोमवार को कि मैं भगवान शिव के लिए सावन के सोमवार का व्रत रखूंगा या रखूंगी ताकि मेरी विवाह संबंधी मुश्किलें दूर हो जाएं। इस बार सावन में 4 सोमवार पड़ रहे हैं तो चारों सोमवार का व्रत रखें अपने शीघ्र विवाह के लिए या वैवाहिक जीवन की समस्याओं के निराकरण के लिए। अगर कुंडली में आयु की या स्वास्थ्य की बाधा है या मानसिक स्थितियों की समस्या है तो भी सावन का सोमवार बहुत अच्छा होता है। उम्र की समस्या है, आयु रेखा कमजोर है, सेहत बार बार खराब रहती है या मानसिक रूप से बीमारी रहती है तो ऐसी दशा में सावन के सोमवार का व्रत रखना बहुत अच्छा होता है, बहुत बेहतर होता है। और अगर आप वैसे भी सावन के अलावा भी सोमवार का व्रत रखना चाहते हैं, सोमवार को पूजा करना चाहते हैं, तो सोमवार व्रत की जो शुरुआत है अगर वो सावन में की जाए तो सबसे ज्यादा उत्तम होगा। और सावन के अलावा आप सोमवार का व्रत अन्य महीनों में भी रख सकते हैं। सावन के सोमवार में या सोमवार के व्रत में मुख्य रूप से शिवलिंग की पूजा की जाती है और शिवलिंग पर जल की धारा और बेलपत्र अर्पित किया जाता है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम त्रिजन्मम पाप संघारम एक बिल्वम शिवार्पणम। एक बिल्व पत्र शिव को अर्पित करने से 3 जन्म के पापों का नाश होता है, इसलिए सावन के सोमवार में आपको नाना प्रकार के प्रावधान की आवश्यकता नहीं है, आपको विशेष तरह की चीजों की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक लोटा जल और एक बिल्व पत्र यानी एक बेल पत्र अगर आप शिवलिंग पर अर्पित करें तो इतना करने से भी आपकी पूजा संपूर्ण होगी। अब कल सावन का पहला सोमवार है, कल बहुत सारे लोग व्रत रखेंगे, कुछ लोग नहीं रखेंगे, जो व्रत रखें वो भी और जो ना रखें वो भी, ऐसे लोग सावन के सोमवार के दिन शिव की पूजा तो करते ही हैं। तो सावन के सोमवार की सामान्य पूजा विधि क्या है, सावन के सोमवार पर पूजा कैसे की जाएगी? प्रातः काल स्नान करने के बाद शिव जी के मंदिर जाइए, कल सुबह उठिएगा, नहा करके भगवान शिव के मंदिर जाइए, सुबह 10 बजे के पहले कर लें या प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त के आसपास के समय में कर लें। घर से नंगे पैर जाएंगे और घर से ही लोटे में जल भर कर ले जाएंगे, मंदिर का जल मंदिर में नहीं चढ़ाएंगे, घर से जल भर लें
और नंगे पैर जल को लेकर के घर से निकले। मंदिर जा करके शिवलिंग पर आपको जल अर्पित करना है और इसके बाद भगवान को, अगर मंदिर में जगह है तो लेट करके साष्टांग प्रणाम करिए, वरना सर झुका करके भगवान को प्रणाम कर लीजिए। इसके बाद मंदिर में ही खड़े होकर के या बैठ करके शिव मंत्र का 108 बार जप कीजिए। नमः शिवाय, नमः शिवाय, इस मंत्र का जप करना आपके लिए उत्तम होगा। दिन में केवल फलाहार कीजिए, अगर आपने व्रत रखा है तो दिन में केवल फलाहार कीजिए, फल खाइए, जल पीजिए, दूध पीजिए, चाय पीजिए और शाम के समय फिर भगवान शिव की पूजा कीजिए, उनके मंत्रों का जप कीजिए और उनकी आरती कीजिए। जब रात में शाम को पूजा की समाप्ति हो जाती है तब आप केवल लिक्विड डाइट ग्रहण करेंगे, लिक्विड लेंगे, दूध, पानी, चाय, जूस आदि, या फल की आवश्यकता है तो फल भी ले लें। लेकिन ये बात याद रखें कि अगर आप व्रत उपवास नहीं रखते हैं तो सावन के पहले सोमवार को प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, इसका प्रयोग तो कम से कम ना करें। अगले दिन यानी परसों सुबह जब उठें तो पहले नहा वहा के शिव जी की पूजा करें और किसी निर्धन को अन्न का, वस्त्र का दान करें, तब जाकर आपके सावन की सोमवार की पूजा संतुलित होगी, सावन के सोमवार की पूजा पूर्ण हो पाएगी। यानी कल उपवास रखना है और परसों सुबह उठ करके व्रत के पारायण करने के पहले, व्रत को समाप्त करने के पहले किसी निर्धन व्यक्ति को अन्न का और जल का दान करना है, अन्न दे दें, वस्त्र दे दें, जल दे दें, तो बहुत सुंदर होगा, तब जाकर सावन की जो पूरी पूरी पूजा प्रणाली है वो आपके लिए ठीक हो पाएगी। सावन के पहले सोमवार को ये भी समझना जरूरी है कि एक काम आप और भी कर सकते हैं। सावन के पहले सोमवार को बेल पत्र का पौधा, बेल का पौधा आपको नर्सरी में उपलब्ध हो जाएगा, तो सावन के पहले सोमवार को बेल का पौधा अपने घर में लगाएं, पार्क में लगाएं, सड़क के किनारे लगाएं, सार्वजनिक स्थान पर लगाएं। वैसे घर के मुख्य द्वार पर अगर बेल का पौधा लगाया जाए तो बड़ा अच्छा होता है। क्यों? पीछे केला, आगे बेल, फिर देखो लक्ष्मी का खेल। तो अगर आपको आर्थिक रूप से अपने आप को बेहतर करना है, अगर आप फाइनेंशियली अपने आप को ठीक करना चाहते हैं, तो कल के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर गमले में, या अगर जमीन है तो जमीन में बेल का पौधा जरूर लगाइए। बेल का पौधा लगाना आपके लिए फायदेमंद है।